हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैंने कुछ समय पहले ये देखिए नागफनी का वाइन बनने के लिए रखा था, तो दोस्तों इसका फर्मेंटेशन डन हो चुका है। तो दोस्तों अभी इसकी फाइनल ग्रेविटी चेक करूँगा, देखते हैं कि हमारा वाइन क्या बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फिर दोस्तों इसको मैं फ़िल्टर और बॉटलिंग करूँगा और आपको पीकर इसका टेस्ट भी बताऊँगा कि ये हमारा वाइन कैसा बना है। तो चलिए दोस्तों अभी इसकी मैं फाइनल ग्रेविटी चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा हाइड्रोमीटर बिल्कुल ये नीचे टच हो चुका है, ये देखिए इसका फाइनल ग्रेविटी 1000 हो चुका है। तो दोस्तों ये वाइन बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। तो अभी दोस्तों इसको मैं दूसरे जार में डाल दूंगा और 4-5 दिन के लिए छोड़ दूंगा ताकि इसका ईस्ट अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। फिर दोस्तों आपको मैं पी कर इसका टेस्ट भी बताऊँगा कि यह कैसा बना है। तो दोस्तों हम इस वाइन को डीकेंट करने के लिए ये देखिए दूसरा जार में उलाद लेते हैं। तो ये देखिए इस जार को मैंने ऐसे ऐसे सैनिटाइज कर लिए हूँ। तो अभी इसमें हम वाइन को निकाल लेंगे और पल्प को अलग कर देंगे। दोस्तों ये देखिए वाइन निकालने के लिए मैं हमेशा की तरह ये देखिए फ़िल्टर पाइप का उपयोग करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने मुझे फ़िल्टर पाइप ख़रीदना हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने साफ साफ वाइन को ऊपर ऊपर से उठाकर जार में डाल दिए हूँ डीकेंट करने के लिए। तो दोस्तों नीचे जो ईस्ट मिक्स वाइन है जो नीचे पल्प में छुपा हुआ है उसको भी अलग से छान लेते हैं। यह देखिए दोस्तों नीचे पल्प में से ये देखिए हमको इतना वाइन प्राप्त हो चुका है। तो इसको दोस्तों हम अलग से बोतल में डाल लेते हैं, इसको हम अलग से डीकेंट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने वाइन को दूसरे जार में उलाद लिया है, ये देखिए दोस्तों हमको इतना वाइन प्राप्त हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों पास में ही ये वाला बोतल, ये नीचे पल्प वाला वाइन है जो सबसे नीचे वाला हमने छना है ना, ये देखिए ये पूरा बोतल भर चुका है। और दोस्तों ये वो वाइन है जिससे हमने ग्रेविटी चेक किया था, हमने इसको भी अलग से बोतल में डाल लिए हूँ, इसको भी ऊपर ऊपर से ये उठाई हुई वाइन है। तो अभी दोस्तों इस वाइन को मैं ऐसे ही 4-5 दिन के लिए पड़ा रहने दूंगा। 4-5 दिन तक दोस्तों ये डीकेंट हो जाएगा, यानी कि इसका जो ईस्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, वाइन हमारा बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाएगा। फिर हम दोस्तों हम वाइन को बोतलों में डालेंगे और मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगा कि हमारा वाइन कैसा बना है। तो चलिए दोस्तों अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 5-6 दिन के लिए। तो दोस्तों हमारी वाइन को पड़े हुए 6 दिन हो चुके हैं, इसका ईस्ट बिल्कुल नीचे बैठ चुका है। अभी दोस्तों हम बोटलिंग करेंगे, बाद में दोस्तों मैं आपको इसका टेस्ट करके भी बताऊंगा कि यह कैसा बना है। तो दोस्तों ये देखिए ये बहुत बढ़िया वाइन रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी इसको बोतलों में डाल लेने का है। तो दोस्तों ये देखिए मैं ये 4 कांच की बोतलें और ये देखिए बाकी जो मैं प्लास्टिक की बोतलों का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप प्लास्टिक की बोतल भी उपयोग कर सकते हो, वैसे तो कांच ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन आप चाहो तो ये प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बोतलें कम पड़ जाती हैं कांच की और उनका टूटने का खतरा भी रहता है। तो ये देखिए जेब में भी ये 4 प्लास्टिक की बोतलें उपयोग करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इन बोतलों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिए हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमको इतना वाइन प्राप्त तो हो चुका है। तो दोस्तों जब मैं डीकेंट कर रहा था तो दोस्तों तभी मेरा एक दोस्त आया था, तो 2 बोतलें वो मुझसे ले गया, वो बोला कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला भाई अभी तो डीकेंट हो रहा है, रुक जाओ कुछ दिन, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही जिद पर आ गया, नहीं यार मुझे तो लेना है, 2 बोतल चाहिए चाहिए। तो 2 बोतल मैंने उसको तभी निकाल दिए थे। तो दोस्तों फिर भी ये देखिए हमारे पास बहुत सारी बोतलें बन चुकी है। तो इनमें से भी दोस्तों मैं 1 बोतल ही लूँगा, बाकी सभी दोस्तों को चली जाएंगी।
तो दोस्तों ऐसे ही दोस्त मुझसे फ्री में ले आकर ले जाते हैं, तो मैंने आज तक किसी भी वाइन का पैसा नहीं लिया है। तो जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं तो वो आकर ऐसे ही ले जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया वाइन बना है हमारा। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आया है। तो दोस्तों ये देखिए इसका कलर देखिए, लाजवाब कलर बना है, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। ये देखिए ये बिल्कुल ये क्लियर वाइन बना है, इसके आर पार नज़र आ रहा है। ये देखिए ये बहुत ही इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है दोस्तों मैंने कोई भी सिंथेटिक कलर उपयोग नहीं किया है। ये देखिए ये देखिए ये प्योर ये थोर का यानी कि नागफनी का कलर इसमें आ चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया है वाइन दोस्तों, ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसे पीने से रक्त वृद्धि होगी और भी शरीर के जो विकारों के लिए लाभवंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसका टेस्ट आया है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वाइन बना है। तो दोस्तों इसे पीने से बहुत मज़ा आएगा आपको भी, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों नागफनी का फल मैदानी इलाकों में तो ख़त्म हो चुका है, पहाड़ी एरियों में अभी भी ये मिल रहा होगा। जो भी पहाड़ी एरिया में दोस्त रहते हैं वो इसका वाइन ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बना है वाइन, यह वाइन ही नहीं ये सेहत के लिए एक टॉनिक है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है।